हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री गांव के मिस्ट्री में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा आपके द्वारा किए गए पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक के लिए। आप इसी प्रकार लाइक और कमेंट करते रहिए और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान में अणु यौगिक तत्व परमाणु आखिर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आखिर कौन किससे मिलकर बना है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगाओं के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। उन्हीं तारों में से एक तारा है हमारा सूर्य, जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य और ऊर्जा दो चीजों से मिलकर हुआ है। और एक बहुत ही जरूरी बात जो यहाँ पर लिखी है वो है ब्रह्मांड के कुल द्रव्य एवं कुल ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। मतलब यहाँ पर जितना भी द्रव्य और जितनी भी ऊर्जा है वो अगर जोड़ दी जाए तो वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगी, हमेशा स्थिर रहेगी। अब आखिर द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। तो हमारे आसपास की कोई भी चीज, चाहे वो लकड़ी हो, लोहा हो या कुछ भी हो जो हम देखते हैं, या हवा हो जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वह सभी द्रव्य में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि द्रव्य का निर्माण अति सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर होता है जिन्हें हम कण कहते हैं। अब आखिर द्रव्य में क्या क्या आ सकता है तो उसके बारे में यह टेबल हमें बताती है। इस टेबल में देखिए तत्व द्रव्य है तो इसका निर्माण जिस कण से मिलकर हुआ उसे परमाणु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन एक तत्व होता है, इसका निर्माण एक परमाणु से मिलकर होता है। अब हम कैसे कहेंगे कि कब हाइड्रोजन तत्व है और कब हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसको जानने के लिए हमें वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यौगिक द्रव्य है तो इसका निर्माण जिस कण से मिलकर हुआ उसे अणु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर H2O, पानी को प्रदर्शित करने के लिए हम H2O फार्मूला यूज करते हैं। तो H2O यौगिक का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? H2O अणु से मिलकर हुआ है। इसी प्रकार आयनिक यौगिक का निर्माण जिस कण से मिलकर होता है उसे आयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर NaCl नमक का निर्माण जिन आयनों से मिलकर हुआ है वो आयन है Na+ सोडियम आयन और Cl- क्लोराइड आयन। दोस्तों अब हम यह जान चुके हैं कि तत्व यौगिक और आयनिक यौगिक ये सभी द्रव्य के प्रकार हैं और इनका निर्माण जिन कणों से मिलकर हुआ है वे क्रमशः परमाणु अणु और आयन है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। आयन और आयनिक यौगिक के बारे में जानने के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम तत्व को परिभाषित करते हैं कि आखिर तत्व होता क्या है। तो तत्व वह पदार्थ होता है जिसे भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसे चाहे तो आप गर्म कीजिए या इसमें कुछ मिलाइए, अब यह इससे छोटा नहीं हो सकता है और ना ही ये टूट सकता है। तो ऐसे पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, हाइड्रोजन, यह सभी तत्व के उदाहरण हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मानव शरीर का 90% भाग सिर्फ 3 तत्वों से मिलकर बना है जो क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। दोस्तों अब हम परमाणु को परिभाषित करते हैं कि आखिर परमाणु होता क्या है। तो परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अर्थात अति सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अर्थात एक परमाणु कभी भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। इसको समझने के लिए हम चित्रण करते हैं कि हमें बहुत बड़ी बॉल मानते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है कि एक हरे रंग की बहुत बड़ी बॉल है जिसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं है और उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बॉल है, जितनी छोटी से छोटी हो सकती है जिनको इसके अंदर रखा गया है। तो ये छोटी से छोटी बॉल जो है जो इस बहुत बड़े तत्व के अंदर है वो क्या है? परमाणु है। और इन सभी बॉलों को जो हम इकट्ठा करके दूर से देखते हैं तो हमें एक हरे रंग की आकृति दिखाई देती है जिसे हम तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लोरीन तत्व को हरे रंग से दिखाते हुए उसका एक जो सबसे छोटी इकाई है
परमाणु क्लोरीन परमाणु दिखाया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं यौगिक की, आखिर यौगिक होता क्या है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अब यौगिक में एक खासियत होती है कि यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा तो हम उसके सरल अवयवों में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा उसे उसके सरल अवयवों में तोड़ा जा सकता है। इसको समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में HCl यौगिक है, इसे हम रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा H तत्व और Cl तत्व में तोड़ सकते हैं। अब इसमें एक बात और आई है कि निश्चित अनुपात, आखिर इसमें मतलब क्या है। तो H तत्व तथा O तत्व को 1:8 के सरल अनुपात में मिलाकर हम H2O यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात यौगिक का तात्विक संघटन निश्चित होता है। अगर आप इस संघटन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप यौगिक नहीं बना सकते हैं। H तथा O जब तक 1:8 के अनुपात में नहीं मिलेंगे तब तक आपको H2O यौगिक प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अणु की, आखिर अणु होता क्या है। दो या अधिक परमाणु आपस में संयोग करके छोटे से छोटा एक कण बनाते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उस कण को हम अणु कहते हैं। परमाणु इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वे स्थायित्व ग्रहण कर सकें। तो परमाणु स्थायित्व ग्रहण करने के लिए ही आपस में संयोग करते हैं और अणु बनाते हैं। अब हम अणु को वर्गीकृत करते हैं। तो अणु को वर्गीकृत करने के लिए हम दो आधार लेते हैं। पहला आधार है परमाणुओं के प्रकार के आधार पर। परमाणुओं के प्रकार मतलब कितने प्रकार के परमाणु हैं। तो इस आधार पर अणु को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है सम परमाणु अणु। सम परमाणु अणु में एक ही प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं अणु बनाने में। जैसे ऑक्सीजन का अणु बनाने में दो ऑक्सीजन के परमाणु ने भाग लिया, नाइट्रोजन के अणु बनाने में दो नाइट्रोजन के परमाणु ने भाग लिया, क्लोरीन का अणु बनाने में दो क्लोरीन के परमाणुओं ने भाग लिया। अब हम बात करते हैं विषम परमाणु अणु की। तो विषम परमाणु अणु वह अणु होता है जिसमें दो या अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर H2O में दो H परमाणु हैं और एक O परमाणु है। NH3 में एक N परमाणु है और 3 H परमाणु है। HCl में एक H परमाणु है और एक Cl परमाणु है। अब हम बात करते हैं परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर अणु को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है द्वि परमाणु अणु जिसमें केवल दो परमाणु, O2 में केवल दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, Br2 अणु में दो Br के परमाणु हैं और N2 अणु में दो N के परमाणु हैं। आगे त्रि परमाणु अणु, इसमें तीन परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे H2S दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक सल्फर का परमाणु मिलकर H2S अणु बनाते हैं। इसी प्रकार जल के अणु में दो H परमाणु हैं और एक O परमाणु है। बहु परमाणु अणु में बहुत सारे परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, जैसे H2SO4 में दो H परमाणु है, एक S परमाणु है और चार O परमाणु है। इस प्रकार H2SO4 का अणु बनता है। दोस्तों अब हम यह जान चुके हैं कि तत्व, यौगिक, अणु और परमाणु क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। प्रश्न यह है कि यदि तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है तो यौगिक की सबसे छोटी इकाई तत्व होना चाहिए, लेकिन द्रव्य में तो हमने पढ़ा था कि यौगिक का कण अणु होता है, आखिर ये कैसे हो गया। तो इसे समझने के लिए हमें एक छोटे से चार्ट का सहारा लेना होगा। तो देखते हैं क्या कहता है ये चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान किस पर आधारित है, यौगिकों पर। यौगिकों से ही रसायन विज्ञान चलता है। अब यौगिक किससे मिलकर बने हैं, तत्व से, और तत्व किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से। अब परमाणुओं के संयोग से बनता है अणु, ठीक है ना। परमाणुओं के संयोग से बनता है अणु और अणु ही सबसे छोटी इकाई है यौगिक की। अभी भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे कि आखिर यौगिक, अणु, परमाणु ये सब आपस में कैसे संबंधित है। और यही है हमारी फाइनल ट्रिक जो मुझे आपको बतानी।
जानी है। दोस्तों तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि हमने सीएल तत्व को एक बड़े हरे से बॉल की तरह दिखाया है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे जैसा कि हमने पहले किया था परमाणु उपस्थित हैं, जिनमें से हमने एक परमाणु को यहां पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं एक सीएल परमाणु। अब सेम हमने क्या किया, हाइड्रोजन तत्व को लाल रंग की बॉल से दिखाया और ये लाल रंग की बॉल बहुत छोटी छोटी बॉल से मिलकर बनी है। उनमें से एक छोटी सी बॉल को हमने बाहर निकाल लिया, वो है एच परमाणु। आप देख सकते हैं यहाँ पे एच परमाणु है। अब अभी हमने क्या कहा था, यौगिक बनाने के लिए तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन तत्व को मिलाकर क्या बना लिया, यौगिक। ये ऊपरी बात है। यहां से हमारी एक बात पूरी होती है कि क्लोरीन तत्व और हाइड्रोजन तत्व के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से HCl यौगिक बनता है, लेकिन अंदर से ऐसा क्या हो जाता है कि ये यौगिक बन जाते हैं। अंदर ये होता है कि क्लोरीन तत्व का एक परमाणु आता है, वैसे ही हाइड्रोजन तत्व का एक परमाणु बाहर आता है। अब ये दोनों परमाणु आपस में संयोग करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक नई चीज बनी, ये क्या है, HCl का अणु जो हरा भी है और लाल भी है। क्या अब आप इसे यहां पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो ना ये यहां से बिलोंग करता है। क्या इसे हम यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि ये इसकी तरह तो दिखता नहीं है। अब इसी प्रकार हम हर बार इन सब में से एक एक करके परमाणु इकट्ठे करते जाते हैं और यहां पर अणु बनाते जाते हैं। अब ये अणु जितने ज्यादा हो जाएंगे तो एक नई बॉल तैयार होगी जो ना इस तरह की दिखेगी ना इस तरह की दिखेगी, वो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो वही बॉल हमारी क्या हो जाएगी, यौगिक हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस प्रकार से तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है और परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है और अणु सबसे छोटी इकाई किसकी, यौगिक की, और परमाणु सबसे छोटी इकाई किसकी, तत्व की। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु से संबंधित अन्य जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।